उन्होंने पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे और चर्चा नहीं होने दे रहे, और साथ ही साथ उन्होंने लोकसभा में एक नया मांग उठाया और बाद में बाहर प्रचार करना शुरू किया। बाहर क्या है, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री आओ, प्रधानमंत्री सदन में आए, आज बुधवार है, उनका बिजनेस डे भी है, प्रधानमंत्री आए थे, मगर विपक्ष को क्या हुआ, सदन को क्यों नहीं चलने दिया? मांग कर रहे थे प्रधानमंत्री सत्र में आए, आवे आ गया, फिर विपक्ष को क्या हुआ, क्यों सदन को नहीं चलने दे रहे? इसको समाधान चाहते देशवासी। कुछ ना कुछ बहाना बना के सदन को चलने नहीं देना, हंगामा करके सरकार के ऊपर गलत प्रचार करना इनका आदत बन गया। दूसरा, वो लोग कार्य गरीबी को निंदा करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, हम गरीबी को, गरीबी लोगों का आकांक्षा का प्रतिनिधि करने वाली सरकार ये है। कारण क्या है, लोगों ने हमको मैंडेट दिया है। 2014 का चुनाव में लोगों ने भारी मत से हमको मैंडेट दिया है। गरीब लोगों का, पिछड़ा लोगों का, ग्रामीण लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उनका साथी पार्टियाँ है। आप सबको मालूम है लोकसभा में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति प्रतिनिधि बीजेपी में है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधि बीजेपी में है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि बीजेपी में है और सबसे ज़्यादा किसान प्रतिनिधि बीजेपी में है पार्लियामेंट में। ये कहाँ प्रतिनिधि कर रहे हैं गरीब लोगों का? हमारा कहना है हम गरीबी लोगों को प्रतिनिधि कर रहे हैं और गरीबों के उत्थान के लिए, उनका संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री ने जो कठोर निर्णय लिया, एक साहस के साथ उन्होंने कदम उठाया, क्रांतिकारी कदम, पूरा देशवासी इससे खुश है, देशवासी इसको स्वागत कर रहे हैं और गरीबी लोग चाह रहे हैं ये सफल हो जाए और उसका अंत में उनको फायदा हो, ये लोगों का मत है। ये लोग कह रहे हैं हम गरीबी का पंडित, आप संख्या बढ़ने से गरीबी का नंबर ऑफ पार्टी से होगा नहीं भाई, नंबर ऑफ नंबर से होगा। पार्लियामेंट माने, लोकतंत्र माने, हम 10 पार्टी है, नई 9 पार्टियां है तो ठीक है, मगर संख्या कितना है वही विषय है ना, संख्या कितना है। लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, पार्लियामेंट चले यही चाहते, बहस हो जाए यही चाहते। आप लोग बहस नहीं होने दे रहे, सदन नहीं चलने दे रहे और इसके विपरीत में हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर गलत आरोप कर रहे। अभी कल का उपचुनाव का नतीजा भी देख लीजिए, कहाँ है कांग्रेस पार्टी, कहाँ है उनका साथी, कहाँ है ये विपक्ष जो हंगामा कर रहे, और उसका तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने, आपने विशेष रूप में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। मध्य प्रदेश में हमारा सरकार है, हम सीट जो था शाडोर का सीट हमने रिटेन किया है और नेपाल नगर का सीट जो कांग्रेस के पास थे उसको हमने छीन लिया, बीजेपी जीत गया वहाँ। और दूसरा, इससे भी महत्वपूर्ण विषय ये है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी कम्युनिस्ट पार्टी को तीसरी स्थान में पुश करके सीपीएम को बीजेपी सेकंड प्लेस में आया। बीजेपी का एक जगह पे 22 टाइम्स, एक जगह पे 11 टाइम्स वोटों में वृद्धि हो गया पश्चिम बंगाल में, जहां हमारा पार्टी का स्ट्रेंथ आप सबको मालूम है, अभी अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। और वहां कांग्रेस पार्टी चौथी स्थान में, कम्युनिस्ट पार्टी तीसरा स्थान में पहुंच गया। ये लोग कह रहे हैं हम गरीब लोगों को प्रतिनिधि करने वाले हैं। दूसरा, त्रिपुरा में सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट आया त्रिपुरा से। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को लास्ट इलेक्शन में 2% वोट मिला। इस बार आप लोगों ने देखा होगा त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी इतना बढ़िया वोट शेयर लिया है, भाजपा दूसरी स्थान पर एवं मतों में 22 गुना वृद्धि हुई है। कहाँ, बरजाला विधानसभा क्षेत्र में। दूसरा, कोवई विधानसभा क्षेत्र में उसी त्रिपुरा में 11 गुने वृद्धि हुई है, वहाँ कांग्रेस पार्टी तीसरी स्थान पे गए, वहाँ तीसरी स्थान पे गए, बंगाल में तीसरी स्थान पे गए। और साथ ही साथ आपने अनुभव, आपने देखा होगा असम में लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र में 1,90,000 से ज़्यादा बहुमत से हमारा पार्टी
दोबारा उस सीट को वापस लिया है और बैताल गो सो शेड्यूल ट्राइब सीट को कांग्रेस से छीन लिया हमने। ये सीट पहले कांग्रेस में था, अभी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को कांग्रेस से 16,300 मतों से जीते हैं। और तीसरा अरुणाचल प्रदेश और भी महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश में इन लोगों ने इतना प्रचार किया, पब्लिक बीजेपी के खिलाफ है, हमने सरकार को ये किया वो किया। अब अरुणाचल प्रदेश का रिजल्ट देखिए, अरुणाचल प्रदेश में हेलियोंग विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीता है और वहाँ कांग्रेस पार्टी को पीछे कर दिया है। और रिजल्ट भी हमारे पक्ष में है, जनता हमारे पक्ष में है, गरीब हमारे पक्ष में है। और तमिलनाडु में भी जहाँ मैडम जयललिता जी का पॉपुलैरिटी अभी भी आगे है, वहाँ भी क्या हुआ, वहाँ जो हमारा साथी थे पहले वो साथी हमको छोड़ के अलग हो गए पीएम के और डीएमडीके। तो डीएमडीके और पीएमके से आगे बीजेपी है। उन पार्टियों को तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने, उन लोगों को हमने सभी तीनों स्थान पर पहली बार बीजेपी तीसरे नंबर